जय भारत। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ नेटवर्क और मैं रामजी दुबे अफगानिस्तान की दयनीय हालत की रिपोर्ट के साथ। आज अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। 5 दिनों में ही तालिबानियों का 20 वर्ष पुराना क्रूर चेहरा सामने आने लगा है। अफगानिस्तान की जनता निसहाय अपनी रक्षा के लिए तड़प रही है एवं सभी देशों से मदद की गुहार लगा रही है, परंतु उनकी कौन सुने जब उनका नेता अशरफ गनी ही अकूत संपत्तियों के साथ पलायित हो गया और ओमान में शरण ले लिया और अपनी संतान जैसी जनता को रोते भी लगते छोड़ गया है। ऐसे ही वक्त में किसी देश के प्रशासक या किसी देश का वास्तविक चरित्र उभर कर सामने आता है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने को ह्यूमन राइट्स का रक्षक घोषित किया है, वह भी सब कुछ ताक पर रखकर अपनी सेना को वापस अमेरिका बुला लिया। केवल 70 या 75 हज़ार लड़ाकू तालिबानियों ने 3 लाख अफगानिस्तान की सेना को पराजित कर दिया और अमेरिकी सेना भी वापस अमेरिका चली गई। क्या यह नैतिक रूप से अमेरिका के लिए शर्म की बात नहीं है? ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले आज कहाँ हैं? वे भी नागासाकी, वैसे नागासाकी यंग हिरोशिमा में बम गिराने के अतिरिक्त अमेरिका की कहीं भी विजय नहीं हुई है। उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है, चाहे वह इराक, कोरिया या अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। आज यह स्पष्ट हो गया है कि अशरफ गनी एवं उसकी टीम भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी। स्रोत गंदा तो धाराएं गंदी हो जाती हैं। भारत भी भ्रमवश उसका समर्थन करता रहा। यह विचार करें कि 3 लाख सेना यदि लड़ती तो क्या 70 या 75 हज़ार तालिबानियों से वो पराजित हो जाती? इसे स्पष्ट हो जाता है कि सैनिकों को संख्या केवल वेतन देने के लिए घोषित की गई थी। याद रखें कि जहां राजा पथभ्रष्ट हो तो उसकी टीम भी लुटेरी हो जाती है। सैनिकों की सुविधाओं का पैसा या उनकी तनख्वाह अशरफ गनी या उनकी टीम के प्रयोग में आया। इस तरह से पूरी प्रजा को रोता बिलकता असहाय छोड़कर दम दबाकर भागना एक कायर प्रशासन की निशानी है। इससे अमेरिका को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बीते 5 दिनों के हालत को देखने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि अब अफगानिस्तान की रक्षा अल्लाह ही करें। हम इसी तरह देश दुनिया की हालत से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहें स्टार न्यूज़ नेटवर्क। जय भारत।